किसी को नामर्द कह दीजिएगा। मनोज तिवारी की क्या हैसियत है, 5 रुपए का अंडा खाने की औकात नहीं है, शीशा लेदर करवा दिया ब्राह्मण होके अंडा के लिए कैसे फिर रहा था। नामर्द कह दीजिए सांसदों को, देश के लोकप्रिय सांसदों को, उस पर चर्चा नहीं आप नहीं कीजिए। आप दूसरी हो, प्रधानमंत्री खुद मानसिक दिवालियापन के शिकार है। प्रधानमंत्री अगर पढ़े लिखे होते, प्रधानमंत्री को अगर ज्ञान होता तो प्रधानमंत्री जी ईस्ट इंडिया से और इंडियन मुजाहिदीन से तुलना नहीं करते। समझिए, यह अनपढ़ प्रधानमंत्री का ही नतीजा है कि देश ने एक अनपढ़ आदमी को प्रधानमंत्री चुन लिया, जिसका कारण है कि प्रधानमंत्री अनर्गल बयान देते हैं। एक बात बताइए, अगर मनोज तिवारी जैसा मानसिक बीमारी से ग्रसित व्यक्ति अगर देश के सांसदों को नामर्द कहता है तो निश्चित तौर पर मनोज तिवारी की संसद सदस्यता खत्म कर देते। देखिए, वो वही मनोज तिवारी है रिंकिया के पापा, जो 5 रुपया के अंडा खाने की औकात नहीं है, बिग बॉस में इसने छीछा लेदर कर लिया था। ये वही मनोज तिवारी है जब सासाराम की महिला कि जब पति का देहांत हो गया तो उसको मदद नहीं किया। ये वही मनोज तिवारी है जो दिल्ली के झुग्गियों में जाकर सोता था, जहां झुग्गी वहां मकान की बात कहता था। जब दिल्ली के लोगों को चुनाव में हार मिली भाजपा को, तो दिल्ली के लोगों को उजाड़ दिया गया, जिसका उदाहरण खोरी गांव जैसे, नारायणा जैसे कई झुग्गी हैं। ये वही मनोज तिवारी है। आप एक एंकर हैं तो आपसे कोई क्या कहेगा कि आप हमारी खबर दिखा दीजिए, तो क्या आप उसे गाली देंगे? नहीं। तो मनोज तिवारी ने दिल्ली के महिला शिक्षिका के साथ क्या अभद्रता की थी? एक कलाकार से अगर गाना गाने के लिए नहीं बोला जाएगा तो क्या उसे जिलेबी बनाने के लिए बोला जाएगा? लेकिन कहां आप समझिए, दूसरी बात, नेता को कितना सोभा देता है कि नामर्द कहना, ये तरीके की बात है। कल मनोज तिवारी ने बोला, आज प्रधानमंत्री भी नहीं पहुंचे, तो आप बताइए कि हम क्या कहें? प्रधानमंत्री पद की गरिमा है, मंत्री लोग नहीं पहुंचे, सांसद लोग नहीं पहुंचे। अगर मनोज तिवारी जैसा मानसिक बीमारी से ग्रसित व्यक्ति अगर देश के सांसदों को नामर्द कहता है, तो निश्चित तौर पर मनोज तिवारी की संसद सदस्यता खत्म कर देनी चाहिए। बाकी सांसद नहीं है, वो नामर्द हैं। आप बताइए, मैं नहीं कह रहा, मनोज तिवारी कह रहे। जो सांसद नहीं गए वहाँ, आप बोलिए ना मनोज तिवारी ने क्या कहा। मनोज तिवारी कह रहे हैं हम बातचीत चर्चा करना चाहते हैं, तो क्यों नहीं करते? देखिए, सदन की कार्यवाही चलाना सत्ता पक्ष के लोगों का काम है, और ये तमाम ये लोग जब विपक्ष में थे तब भी ये बात क्या कहते थे कि सत्ता पक्ष जवाबदेह है, सदन क्यों नहीं चलती है? तो भैया, आज आप सत्ता में हैं, आप सदन क्यों नहीं चलाते हैं? और आपके भी सांसद संसद में नहीं जा रहे, वो संसद नहीं चलाने चाह रहे, तो क्या वो नामर्द हैं? नहीं, वो एक लोकप्रिय सांसद हैं, जनता ने उनको चुना है। निश्चित तौर पर इस तरीके का बयान का हम तीव्र भर्त्सना करते हैं। मनोज तिवारी को भी तो जनता ने चुना है। अरे भाई, तो आप किसी को नामर्द कह दीजिएगा। मनोज तिवारी की क्या हैसियत है, 5 रुपए का अंडा खाने की औकात नहीं है, शीशा लेदर करवा दिया ब्राह्मण होके अंडा के लिए कैसे मारा मारा फिर रहा था। पंकज जी, खाने के ऊपर ना जाइए, बात हम कह रहे हैं, व्यक्तिगत पे ना जाए आप कि अंडा खाते हैं या क्या खाते हैं। माने आप चाहे नामर्द कह दीजिए सांसदों को, देश के लोकप्रिय सांसदों को, उस पर चर्चा नहीं आप नहीं कीजिए। आप दूसरी ओर, प्रधानमंत्री खुद मानसिक दिवालियापन के शिकार हैं। प्रधानमंत्री अगर पढ़े लिखे होते, प्रधानमंत्री को अगर ज्ञान होता तो प्रधानमंत्री जी ईस्ट इंडिया से और इंडियन मुजाहिदीन से तुलना नहीं करते। समझिए, यह अनपढ़ प्रधानमंत्री का ही नतीजा है कि देश ने एक अनपढ़ आदमी को प्रधानमंत्री चुन लिया, जिसका कारण है कि प्रधानमंत्री अनर्गल बयान देते हैं। एक बात बताइए, जिस NDA गठबंधन का नाम इंडिया दिया गया, तो प्रधानमंत्री जी हर बात में मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, खेलो इंडिया, जीतो इंडिया, कूदो इंडिया हर समय कहते, तो यह उस समय विदेशी नाम नहीं था। अगर संविधान में भी इंडिया लिखा हुआ है, अब इसका मतलब आप संविधान को धत्ता बता रहे हैं। आप जिस तरीके से, और खुद प्रधानमंत्री, भाइयों बहनों, इंडिया में इस काम के लिए वोट पड़ना चाहिए कि नहीं, तो आप उस समय कह रहे थे, तब आपको विदेशी नाम ना सूझ रहा था। तो ये ईस्ट इंडिया पार्टू की सरकार है। सुनो ना भाई, अपने दिल से जानिए पराए दिल का हाल। और सच की एक बहुत बुरी आदत है कि वो एक दिन बाहर आ ही जाती है। आज प्रधानमंत्री के मुंह से बाहर आ गया कि ये लोग ईस्ट इंडिया पार्ट टू के लोग हैं, इसीलिए देश को बेच रहे हैं। गोवलकर ने कहा है बंच ऑफ थॉट में कि 95% लोगों को गरीब बनाना, 5% लोगों के हाथ में सत्ता का केंद्रीकरण देना, जहां BSNL जैसी कंपनियों को डुबाया गया और जियो देश धनाधन का ब्रांड एम्बेसडर सेल्समैन सप्लायर बनकर प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर BSNL जैसी सरकारी कंपनियां डूब जाएंगी। 188,000 से ज्यादा पद खाली हैं। अपने नामों के आगे जिस टीम का कैप्टन ही अनपढ़ हो, जाहिल हो, मानसिक दिवालियापन का शिकार हो, ड्रामेबाज हो, तो बाकी टीम का क्या कहेंगे? अनपढ़ क्यों बोल रहे, सारे पढ़े लिखे हैं, मनोज तिवारी पढ़े लिखे हैं, रवि किशन भी। प्रधानमंत्री जी कहाँ से पढ़े, डिग्री नहीं दिखाई, 5 नंबर का ग्रेस मार्क में तो प्री यूनिवर्सिटी का कोर्स किया। 1979 में जब वो दिल्ली आ गए, 85 में गुजरात गए, आप समझिए, तो जो आदमी
78 में दिल्ली में था ही नहीं हाँ। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए कैसे कर लिया? आपने और जो आदमी 85 में गुजरात नहीं था हाँ। वो गुजरात से एमए इंटर, अरे सुनो एमए इंटायर पॉलिटिकल साइंस है भारत में, कहीं भी विश्व में बता दो कहीं कोर्स होता हो। अरे भाई मैं पूछ रहा हूँ, जो आदमी 79 में दिल्ली आया 78 में ग्रेजुएशन कर लिया, जो आदमी 85 तक दिल्ली में था वो आदमी एमए कर लिया इंटायर पॉलिटिकल साइंस। और प्रधानमंत्री का जब दरबार हाई स्कूल के दस्तावेज में देखेंगे तो 26 अगस्त 1949 बर्थडे है हाँ। प्रधानमंत्री 17 सितंबर 1949 को 50 को बर्थडे मनाते हैं, तो दोनों में विसंगतियां हैं। पंकज जी आप लगातार बोलते हैं किसी पे पर्सनल टिप्पणी नहीं कर सकते, आप मोदी जी पर पर्सनल टिप्पणी कर रहे हैं कि वो पढ़े लिखे नहीं है। प्रधानमंत्री जी आपके घर के सदस्य हैं, पर्सनल देश सार्वजनिक पद पर हैं, इसीलिए तो टिप्पणी कर रहे हैं, इसीलिए टिप्पणी कर रहे हैं कि वो भारत के प्रधानमंत्री हैं और सार्वजनिक पद पर हैं। देश की जनता होने के नाते हमारा दायित्व है कि हम अपने प्रधानमंत्री से सवाल पूछें और सवाल पूछना कोई पर्सनल टिप्पणी नहीं होता। आज वो प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दें, हम कल उनसे सवाल पूछना बंद कर देंगे। ये भाजपा बेशर्मों की टोली है आप समझिए, खुद प्रधानमंत्री कहते हैं हमारी पार्टी में परिवारवाद नहीं है, तो अमित शाह के जैसा जो है बेटा है कि कहीं अनाथ आश्रम से उठा के ले आए थे, राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह विधायक हैं, अनाथ आश्रम से तो उठा के लाए नहीं, वो तो उन्हीं के बेटे हैं। कैलाश विजयवर्गीय का बेटा, मैंने पूछ रहा हूँ फिर आप प्रश्न पर चले गए हाँ। मैं पूछ रहा हूँ कैलाश विजयवर्गीय का बेटा आकाश विजयवर्गीय हाँ। अपना बेटा है या अनाथ आश्रम से उठा के लाए थे? अरे भाई तो परिवारवाद नहीं है। कल्याण सिंह का बेटा पार्टी का अध्यक्ष तो कितने गिरोगे आप लोग, पूरे वर्ल्ड में तो गिर ही चुके हो। भारत की मीडिया को लोग थू कर रहा है, भारत की मीडिया को लोग दलाल कह रहे हैं, भारत की मीडिया को भांड कह रहा है, भारत की मीडिया का इतना स्तर गिर गया जितना झुमका नहीं गिरा बरेली के बाजार में हाँ। जितना स्तर भाजपा की सरकार में गिर गया हाँ। फिर भी आप लोग अपने आप नियम मिट्ठू बने पड़े हो। अध्यक्ष बनाया क्या? अभी सुनो, शर्म उरम बचा है तो बताओ, जैसा को क्रिकेट का बल्ला पकड़ने आता है, जो सच्चाई है क्या क्वालिफिकेशन है? मैं पूछ रहा हूँ कि जैसा को क्या आता है? कोई योग्यता नहीं है, 10वीं पास है वो। अच्छा, 10वीं पास को बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना दिए आप हाँ। भाजपा विधायक ने साफ साफ कहा है हाँ। मणिपुर हिंसा के पीछे भाजपा नेताओं और हाँ। कार्यकर्ताओं का हाथ है हाँ। भाजपा विधायक के हिसाब से इसलिए प्रधानमंत्री नहीं बोलते हाँ। नहीं तो प्रधानमंत्री अब तक अगर कोई विपक्षी पार्टी की सरकार होती हाँ। भाइयों एवं बहनों दिल्ली में बैठी सरकार कमजोर है, निकम्मी है हाँ। एक ही मिनट में इसरो अंतरिक्ष में फेंक रहा होता, अमित्रों पूरे देश में घूम घूम कर फेंक रहा होता। छत्तीसगढ़ राजस्थान की बात की तो है मोदी जी ने, राजस्थान में जो घटना हुई हाँ। उस घटने का आरोपी बीजेपी का कार्यकर्ता है हाँ। जो एबीवीपी का कार्यकर्ता है, भाजपा का छात्र इकाई का कार्यकर्ता है हाँ। देख लीजिए वहाँ एफआईआर दर्ज हुई, जेल में चला गया। अरे सुन तो लीजिए, मणिपुर की तरह नहीं हुआ हाँ। कि एफआईआर तक ही दर्ज ना हुई, इंटरनेट बंद कर दिए गए। सारी घटनाएं आप एक बार बताओ, कुलदीप शंकर का देखा आपने, चिन्मयानंद का देखा हाँ। आपने, अभी उत्तर प्रदेश की घटना का क्यों नहीं अरेस्ट हुआ जो दरोगा को पिटाई किया शरद पाठक, थाना में घुसकर अपहरणकर्ताओं को छुरा ले गया हाँ। क्या उन गोरखपुर के यूनिवर्सिटी छात्रों पर कार्रवाई हुई जिसने उत्तर प्रदेश पुलिस को हाँ। लतिया जुतिया? लेकिन आप उसमें फिर बात, मणिपुर की पहले एक वीडियो वायरल हुई थी, अब एक और वीडियो वायरल। खुद मुख्यमंत्री ने कहा है कि मणिपुर में ऐसी कई घटनाएं हुई है, अर्थ बेशर्मी की हद देखिए हाँ। कि राज्यपाल भी कह रहा है हाँ। मुख्यमंत्री भी कह रहा है हाँ। फिर भी नरेंद्र मोदी जी वहां की सरकार को बर्खास्त नहीं कर रहे। मणिपुर में वैसे आदमी के साथ हुआ हाँ। जिन्होंने देश की सरहदों की सुरक्षा दी, भारत हाँ। को बचाया, वो अपनी पत्नी को नहीं बचा पाए हाँ। इस निकम्मे प्रधानमंत्री के कारण, इस कमजोर प्रधानमंत्री के कारण। लेकिन एक और वीडियो मणिपुर की वायरल हो रही जिसमें फौजी रोते हुए दिखाए गए हैं कि मैं किसी को बचा नहीं पाया, यहाँ के हालात ऐसे हैं। निश्चित तौर पर मणिपुर के मुख्यमंत्री को बर्खास्त कर देना चाहिए और मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए। मुख्यमंत्री को आप बर्खास्त करने की बात कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा है मैं इस्तीफा क्यों दूं, जनता मुझे पसंद कर रही है। जनता जब वोट दी थी उस समय मणिपुर की हिंसा नहीं हुई थी हाँ। मणिपुर में जो हिंसा हुई हाँ। अब तक नैतिकता के आधार पर हाँ। इस्तीफा दे देना चाहिए। जनता ने फाड़ दिया था ना इस्तीफा, अभी जब राहुल गांधी गए थे तो जनता ने किसी ने नहीं फाड़ा, वो खुद ही अपने ही लोगों में फाड़ के ड्रामाबाजी कर रहे हाँ। और ये ड्रामाबाजी मणिपुर की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। महिलाओं का सम्मान हाँ। के मैदान पूरे सम्मान में देश की महिलाएं मैदान में क्यों आ रहे मीडिया में लगातार? कौन मणिपुर के मुख्यमंत्री भागते हुए नजर क्यों आ रहे हैं? आप अगर किसी भी महिला सांसद के पास चले जाइए भाजपा से जुड़े हुए हाँ। एक भी सांसद अगर आपके बातों का जवाब दे दे तो मीनाक्षी लेखी की तरह फिर होगा, भाग मीनाक्षी भाग, भाग मीनाक्षी भाग हाँ। सारे भाजपा के नेता लगेगा जैसे पीटी उषा को फेल कर दिया हाँ। भागता फिरेगा। भाजपा नेता क्या बोलेंगे हाँ। कुछ नहीं बोल सकते हाँ। अगर देश में बहन बेटियों को बचाना है हाँ। तो भाजपा को भगाना है। देश के अगर बेटियों को बचाना है, बेटी बचाओ भाजपा भगाओ,
ये नया नारा देश ने दिया है। अब जब भी जो चुनाव होंगे उसमें देश की महिलाएं माँ दुर्गा का रूप धारण करेगी और भाजपा रूपी महिषासुर मर्दनी महिषासुर का वध करेगी और देश की महिलाएं महिषासुर मर्दनी के रूप में पूरे देश में चुनाव में देखिएगा भाजपा का सफाया कर देगी। लेकिन पंकज जी क्या लग रहा है मणिपुर के जो हालात है, मोदी जी 36 सेकंड बोले थे लेकिन उसके बाद इंडिया पे बात आ रही है, एनडीए पे बात हो रही है लेकिन मणिपुर की कोई चर्चा ही नहीं हो रही है। एक बात बताओ, जो प्रधानमंत्री जी राय को पहाड़ बना देते, जो प्रधानमंत्री जी घंटों बोलते नहीं थकते, उनको मणिपुर में मात्र 30 सेकंड है। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, सुन तो लो। अरे भाई सुन तो लो, जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। जिस बकवास को सुनकर देश की जनता का हाल बेहाल हो जाए उसे मोदी जी की मन की बात कहते हैं। कम से कम मन की बात में तो बोल लेते, खामोश हो गए प्रधानमंत्री जी। मणिपुर की जनता से वहां की शांति के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए पूरे देश की जनता से कहना चाहते हैं, जिस गुजरात मॉडल की बात की जा रही है, जो गुजरात मॉडल मणिपुर में लागू की गई है, वैसे मॉडल का हम विरोध करते हैं। और देश के जनता से कहते हैं, जाति धर्म भाषा प्रांत सभी तरह की जो भावनाएं हैं जो आपस में नफरत पैदा करती है, ऐसी नफरती सोच को आप दरकिनार कीजिए। देश अमन भाईचारे से चलेगा, देश प्यार मोहब्बत से चलेगा। पूरे देश में आइए, अपने अपने दरवाजे प्यार मोहब्बत की दुकानें खोलिए, लोगों को आपस में प्यार बांटिए। जब आपके घर में नफरत से घर नहीं में बरकत आएगी तो देश में बरकत कैसे आएगी? इसलिए आइए हम अपने भारत को सर्वश्रेष्ठ भारत बनाएं, अमन भाईचारा अपनाएं, नफरत को छोड़ो, भारत जोड़ो।